सर, मुझे स्नो माउंटेन से कुछ अल्ट्रा हाई वायरलेस सिग्नल आ रहे थे। वो सारे सिग्नल बहुत ही ताकतवर है सर। ठीक है रोबोट, गुड जॉब। मैं अभी वहां जाकर वहां की तलाशी लेता हूँ। तब तक तुम यह खबर हमारे बॉस तक पहुंचा देना। ठीक है सर, उनको बताने में मुझे कुछ देर लग जाएगी क्योंकि पानी में हमारे सिग्नल काफी स्लो हो जाते हैं। कोई बात नहीं। तो प्राइम वहां से स्नो माउंटेन पे जाने लगा। तीन जादू रोबोट पार्ट टू। दोस्तों अभी तक आपने इसका पार्ट वन नहीं देखा तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन दी गई, आप वहाँ से देख सकते हैं। और आज का लाइक है मैं 1500 लाइक। आप सबसे पहले जाकर इस वीडियो को लाइक कीजिए, बाद में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हो। तो प्राइम जिस जगह पर अल्ट्रा हाई वायलेंस फ्रिक्वेंसी नोटिस हुई है उस जगह पर चला गया। मुझे यहाँ से अब जल्दी से जाना होगा। अरे ये तो जादू डायमंड रोबोट है, अगर यह बात बॉस को पता चली तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। तो प्राइम जादुई डायमंड रोबोट पर हमला करने लगा। यहाँ दूसरी तरफ राम काफी थक गया था उन तीनों जादुई रोबोट को ढूंढ ढूंढ के। तब वो एक पत्थर के पास बैठ गया। यही सही मौका है, राम को मारकर उसे वो जादुई तलवार ले लेता हूँ, बाद में वो तीन जादुई रोबोट मुझे मिल ही जाएंगे। हेलो ब्रदर। तब राम उस जगह पर किसी और आदमी की आवाज सुनकर काफी डर गया था। तब राम कहने लगा, कौन हो तुम? वो सब जाने दो राम, तुम वो जादुई तलवार मुझे जल्दी से दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, तुम मुझे वो चाबी दे दो जल्दी। कौन सी चाबी? मुझे किसी चाबी के बारे में नहीं पता। लगता है तुम इसे नहीं मानोगे, मुझे तुम्हें मारना ही होगा। अब यह कौन सी मुसीबत मेरे पीछे पड़ गई यार। तभी उन दोनों पर किसी ने हमला कर दिया। यहाँ दूसरी तरफ गोडुला रोबोट राम के भाई को अपने कब्जे में लेने के लिए शहर के एक हॉस्पिटल में आया था। जैसे ही गोडुला रोबोट हॉस्पिटल के अंदर जाने की कोशिश करने लगा, वहाँ से एक जादुई दरवाजा प्रकट हो गया और गोरिल्ला रोबोट उसमें समा गया। तब राम वहाँ खड़ा हो गया और कहने लगा, अरे यार अब मैं कहाँ आ गया? अरे मेरा सूट कहाँ आ गया और मैं यहाँ सांस कैसे ले पा रहा हूँ? मेरे बेटे राम, दादाजी आप? हाँ बेटा, मैं तेरा दादाजी हूँ। कहाँ थे दादाजी आप? हम आपका पिछले 3 सालों से इंतजार कर रहे थे। मुझे माफ कर देना बेटे, लेकिन उस वक्त मेरे सर पे पूछ चौर हो गया था कि मुझे उन तीनों जादुई रोबोट का पता लगाना ही है। दादाजी आपकी इस पागलपन की वजह से हमने पिछले 3 सालों से कितने ठोकर खाया मैं आपको बता नहीं सकता। अब चिंटू हॉस्पिटल में, मुझे उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। क्या हुआ चिंटू को? चिंटू का एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए मुझे उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए थे दादाजी। मुझे माफ कर देना बेटे, अब हम लोग जल्दी से उन तीनों जादुई रोबोट को ढूंढ लेंगे और हम चिंटू का इलाज कर देंगे। वैसे तुम्हारे पास वो जादुई तलवार है ना? हाँ दादाजी, मेरे पास से। वैसे मैं यहाँ सांस कैसे ले पा रहा हूँ और मेरा सूट कहाँ चला गया? मैंने तुम में एक सीरम इंजेक्ट किए जिससे तुम पानी में भी सांस ले सकते हो। अरे यार, इसके सूट का रंग हर बार बदल क्यों रहा है? इसको यह तीन जादुई रोबोट की जगह के बारे में कैसे पता चला और यह यहाँ आया कैसे? तुम उसकी चिंता मत करो राम, अब हमें जल्दी से जाना होगा। तब राम, उसके दादाजी और वो रोबोट वहाँ से उन तीन जादुई रोबोट की खोज में जाने लगे। यहाँ दूसरी तरफ वो सूट वाला आदमी खड़ा हो गया और कहने लगा, अरे यार कहाँ हूँ मैं? हेलो रोबोट्स, अगर तुम्हें मेरी आवाज़ आ रही है तो मैं यहाँ एक बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ। जल्दी से मेरी लोकेशन ट्रेस कर यहाँ मेरी मदद के लिए किसी को भेज दो और बॉस की तरफ से सारे सिग्नल्स ब्लॉक कर देना। ओवर एंड आउट।
जल्दी से मेरी लोकेशन ट्रेस करके यहाँ मेरी मदद के लिए किसी को भेज दो और बॉस की तरफ से सारे सिग्नल्स ब्लॉक कर देना। ओवर एंड आउट। यहाँ दूसरी तरफ प्राइम ने डायमंड रोबोट को सीधा उसकी लैब में लाया था। तब वो रोबोट प्राइम के पास जाने लगा और कहने लगा, प्राइम हमें बॉस की तरफ से सिग्नल आए, वो वहाँ रास्ता भटक गए, तुम्हें वहाँ जाकर उनकी मदद करनी होगी। ठीक है, मैं वहाँ जाता हूँ, तब तक तुम डायमंड रोबोट पे अपनी नजर रखना। ठीक है। यहाँ दूसरी तरफ वो तीनों चल चल के काफी दूर आ गए थे। तब दादाजी बोले, वो देखो राम, जादुई रोबोट्स। लेकिन दादाजी, यहाँ तो डायमंड रोबोट नहीं दिख रहा है। वो बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही बेटा कि आखिर यहाँ से डायमंड रोबोट कहाँ जाता है। जाने दो, तब तक तुम वो जादुई तलवार निकालो, हम इन दोनों रोबोट को यहाँ से छुड़ा लेते हैं। तो राम वहाँ एक जादुई मंत्र बोलने लगा और उसके हाथ में वो जादुई तलवार प्रकट हो गई। तब राम उस जादुई तलवार को लेकर मनी रोबोट के पास जाने लगा। तब राम ने उस जादुई तलवार का रूप मनी रोबोट की तरफ कर दिया और वो तलवार मनी रोबोट में समा गई। तभी वहाँ पर एक जादुई शक्ति प्रकट हो गई और कहने लगी, क्या चाहिए तुम लोगों को? हमें इन रोबोट की जरूरत है। तीसरा जादुई रोबोट कहाँ है? उसने अपना विनाश अपने हाथों से लिखा है। अगर तुम्हें यह दोनों जादुई रोबोट चाहिए तो बलिदान देना होगा। बलिदान? अब होगा विनाश। चलो प्राइम, हमें वहां जाकर उन तीनों जादुई रोबोट को हासिल करना होगा। मैंने रॉय पर भरोसा करके तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी, इसने तो मेरे सिग्नल ब्लॉक कर दिए। और गोरिल्ला रोबोट, तुम कहां मर गए? या दूसरी तरफ गोरिल्ला रोबोट किसी अनजान जगह पर आ गया था। क्या होगा अब गोरिल्ला रोबोट का? ऐसे काफी सवाल आपके मन में चल रहे होंगे, तो जल्द जाकर कमेंट बॉक्स में पार्ट 3 ऐसा लिखिए